जिस सीट पर कायम है बीजेपी की बादशाहत, जहां अब तक नहीं चला सपा बसपा का सिक्का, दूसरे दल का खुलेगा खाता या बीजेपी मारेगी चौका। यूपी का एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र जहां बीजेपी के अलावा अब तक कोई भी दल विजय पताका नहीं लहरा पाई है। अस्तित्व में आने के बाद से अब तक इस सीट पर हर बार भगवा लहराया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं नोएडा विधानसभा क्षेत्र की। प्रदेश की आर्थिक राजधानी और देश की राजधानी दिल्ली से सटा यह सीट बीजेपी का सबसे मजबूत किला तो है ही, साथ ही प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट भी है। वजह है यहाँ के मौजूदा विधायक पंकज सिंह। आपको सीट से जुड़ी एक एक अहम जानकारी देंगे, बताएंगे कि सीट पर अब की बार किसका पलड़ा भारी है, साथ ही बताएंगे हर बार यहाँ से बीजेपी क्यों बाजी मार ले जाती है। लेकिन उससे पहले आपको इस सीट की अहमियत बताते हैं। नोएडा के मौजूदा विधायक पंकज सिंह बीजेपी के कद्दावर नेता और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे, साथ ही यूपी बीजेपी के उपाध्यक्ष भी हैं। 2017 के चुनाव में पंकज सिंह ने रिकॉर्ड 104,016 वोटों से जीत दर्ज की थी। पंकज सिंह को 162,417 वोट यानी करीब 64% वोट मिले। वहीं पंकज सिंह के मुकाबले समाजवादी पार्टी के सुनील चौधरी को सिर्फ 58,401 वोट मिले थे, जो तकरीबन 23% के आसपास थे। 2017 में बीएसपी यहां तीसरे नंबर पर रही थी। बीएसपी उम्मीदवार रविकांत मिश्रा को महज 27,365 वोट मिले थे। राज्य का राजस्व जनरेट करने के साथ ही प्रदेश के शो विंडो कहे जाने वाले नोएडा शहर को आज देश ही नहीं बल्कि दुनिया के तेज तरक्कीमंद शहरों में शुमार किया जाता है। देश के बड़े आईटी हब समेत मीडिया हब और रियल एस्टेट हब के रूप में ये शहर अपनी अलग पहचान बना चुका है। राजधानी दिल्ली से सटे जिला गौतम बुद्ध नगर का नोएडा विधानसभा सीट राजनीति के लिहाज से रसूख वाली सीट मानी जाती है। 2017 में नोएडा सीट पर तीसरी बार विधानसभा के चुनाव हुए थे। दरअसल 2012 में नोएडा विधानसभा का गठन हुआ था, तब से यहां अब तक 3 बार विधानसभा के चुनाव हुए। हर चुनाव में बीजेपी का ही दबदबा रहा। जिस साल यह विधानसभा क्षेत्र अस्तित्व में आया यानी 2012 में इस सीट पर बीजेपी के डॉक्टर महेश शर्मा चुनाव जीते थे, तब महेश शर्मा को 77,319 वोट मिले थे। महेश शर्मा इस सीट पर 2 साल तक विधायक रहे। 2014 के लोकसभा चुनाव में महेश शर्मा को बीजेपी ने गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट से उम्मीदवार बना दिया। महेश शर्मा सांसद बन गए, जिसके बाद उन्हें नोएडा विधानसभा सीट छोड़नी पड़ी। महेश शर्मा के इस्तीफे के बाद 2014 में चुनाव हुए। उपचुनाव में बीजेपी की विमला बाथम को 1,00,000 से ज्यादा वोट मिले। विमला बाथम ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी काजल शर्मा को करीब 59,000 वोटों के अंतर से हराया था। बात अगर मतदाताओं की करें तो नोएडा विधानसभा क्षेत्र में कुल 6,68,095 वोटर्स हैं, जिनमें से 3,80,581 पुरुष और 2,87,511 महिलाएं। नोएडा विधानसभा क्षेत्र में वैश्य, ब्राह्मण और पंजाबी मतदाताओं की संख्या अधिक है। गुर्जर और ठाकुर मतदाता भी काफी संख्या में है। माना जाता है कि ये सभी बीजेपी के कोर वोटर हैं। यही वजह है कि हर बार यहाँ बीजेपी को जीत मिलती है। हालांकि एक दिलचस्प आंकड़ा ये भी है कि गौतम बुद्ध नगर का ये इकलौता विधानसभा क्षेत्र है जहाँ लोकल के मुकाबले बाहरी वोटर जीत हार तय करते हैं। कहा जाता है कि सीट पर बाहरी मतदाता जिसके पक्ष में वोट करते हैं वही विजयी होते हैं। एक अनुमान के मुताबिक यहाँ बाहरी और लोकल का अनुपात 60-40 का है। माना तो ये भी जाता है कि बाहरी मतदाताओं का वोट हर बार बीजेपी के पक्ष में ही जाता है। हालांकि इस बार का माहौल पहले के मुकाबले काफी अलग है। किसान आंदोलन की वजह से बीजेपी नेताओं की काफी फजीहत हुई है, साथ ही आसमान छू रही महंगाई भी जनता को दिन में ही तारे दिखाने लगी है। ऐसे में अब की बार यहाँ का मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। देखना यह भी दिलचस्प होगा कि इस बार नोएडा विधानसभा सीट पर किसी दूसरे दल का खाता खुलता है या फिर बीजेपी अब की बार जीत का चौका मारेगी।